चांदीलीपुर में स्थित लोखंडवाला फाउंटेन हाइट्स माधवराव सिंधिया उद्यान के तिराहे का नामांकन सत्संग परिवार चौक के नाम पर किया गया। सत्संग परिवार एक सामाजिक संस्था है। सत्संग परिवार कांदीलीपुर में अनेकों सामाजिक कार्य किए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए और सत्संग परिवार के आग्रह पर स्थानीय पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल द्वारा तिराहे को सत्संग परिवार चौक का नामांकन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातलकर, पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर लोखंडवाले की स्थानीय जनता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम टीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। हमारे स्थानीय नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी के प्रयास से मुंबई महानगर पालिका ने इस चौक का नामकरण सत्संग परिवार चौक ऐसा नामकरण किया, जिसका पूरा देखभाल और खर्चा सत्संग परिवार के लोगों ने किया है। सत्संग परिवार के लोग लोखंडवाला इस परिसर में बहुत सारे लोग काम समय समय पर करते रहते हैं, और इसका उद्घाटन आज हमारे विधायक अतुल भातकलकर जी, नगर सेविका सुरेखा दाई पाटिल, मैं और सारे सत्संग परिवार के लोगों ने मिलकर किया। और जो बड़ा रोड खुलने की भी बात उन्होंने उठाई है, उस रोड को आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी कैसा खोला जाए, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अगर महापालिका मानती नहीं है, जो विरोध करते हैं वो अपना अगर रवैया बदलते नहीं है, तो जैसे अतुल जी ने कहा कि एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता होगी, तो वो भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। लोगों के लिए जो जो आवश्यकता है वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में पूरा करने का प्रयास करेगी। सुरेखा पाटिल जी के प्रयास से और सत्संग परिवार के प्रयास से आज यहाँ चौक का नामकरण सुशोभीकरण हुआ। इसके लिए सुरेखा पाटिल और यहाँ के सभी स्थानीय रहवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आज वार्ड क्रमांक 27 में हमारे विभाग में सत्संग परिवार बहुत सारी सामाजिक काम करता है, सोशल काम करते हैं, तो उनकी एक मांग थी कि सभी कमेटी की कि हमारा भी एक नाम का एक चौक होना चाहिए। इसीलिए हमने आमदार अतुल भातकर जी के, खादर गोपाल जी के मार्गदर्शन पे यहाँ पे सत्संग परिवार चौक का नामकरण किया है। अगर देखा जाए तो हर यहाँ पे बहुत सारे खेतान चौक है, बसवेश्वर चौक है, परशुराम चौक है, क्योंकि उन बड़े लोगों से हमसे प्रेरणा मिलती है, तो ऐसे नामकरण चौक के होने बहुत ज़रूरी है। मेरे विभाग में मेरे 5 साल के कार्यक्रम में मैंने बहुत जगह पे नामकरण चौक के किए हैं, तो मुझे खुशी है जो भी वो नामकरण देखेगा तो उससे ही प्रेरणा मिलती है, तो आज एक अच्छा काम हमारे माध्यम से।